नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पांच ऐसे कारणों की जिनकी वजह से मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट में ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों, अभी तक जितने वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं उसके अंदर हमने टेक्निकल एनालिसिस की बात किया है, लेकिन हमने मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात अभी तक नहीं की। तो दोस्तों, ये जो कारण है उसके अंदर से कुछ कारण जो हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर से संबंधित हैं। मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के ऊपर मैं आपके साथ काफ़ी सारे वीडियो शेयर कर चुका हूं, जहां पे मैंने मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर का क्या इंपैक्ट होता है स्टॉक मार्केट पे उसके बारे में चर्चा की है। तो दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ये एडवांस लर्निंग वीडियो है। यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं उन्होंने मेरे सारे वीडियोस देख चुके हैं, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर से संबंधित मेरे जितने भी वीडियोस हैं वो सब देख चुके हैं, उनको मालूम है कि मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर का क्या इम्पैक्ट होता है स्टॉक मार्केट में, और वो पिछले 8 या 10 साल से स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो भी एनालिसिस होता है वो साइंटिफिक होना चाहिए, रैशनल के साथ होना चाहिए, लॉजिक के साथ होना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस के अलावा हमें मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को देखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, कई बार हम केवल वही चीज़ देखते हैं जो हमें दिखाई जाती है। जैसा कि रिसेंटली आपने ट्विटर पे देखा होगा या कुछ ट्वीट्स देखे होंगे जहाँ पे एक ब्रोकरेज जिसने एक निफ्टी 50 के स्टॉक की जो रिकमेंडेशन है वो रिटेल निवेशकों को तो बोला कि भाई आप बाय कर लीजिए, और जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनको बोला सेल कर लीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे रिटेल निवेशक विश्वास कर लेते हैं आसानी से, उनको जैसा दिखाया जाता है वो वैसा ही देखते हैं, उनको जिस रंग का चश्मा पहनाया जाता है उनको वही रंग दिखता है। मान लीजिए आपको हरे रंग का चश्मा पहनाया गया तो आपको सब हरा ही हरा दिखेगा, लाल रंग का चश्मा पहनाया गया तो आपको सब लाल ही लाल दिखेगा, जैसा कि इस समय मार्केट में हो रहा है। यहाँ पे काफी लोग इस समय बात कर रहे हैं कि निफ्टी जो है 9000 पे चला जाएगा, 8000 पे चला जाएगा, और दोस्तों जब आप ये बातें ज्यादा सुनते हैं तो आपको भी यकीन हो जाता है कि हाँ ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन दोस्तों, हमने टेक्निकल एनालिसिस की सहायता से देखा कि ऐसा अभी कुछ भी संभव नहीं दिख रहा चार्ट्स के ऊपर या ऑप्शन चेन के अंदर। तो दोस्तों, उसी बात को पुख्ता करने के लिए तो आज हम मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की सहायता से बात करेंगे कि क्या इतनी बड़ी गिरावट संभव है। और दोस्तों, जो लोग 9500 या 8000 का टारगेट दे रहे हैं वो एक्चुअली अपना लॉजिक शेयर नहीं कर रहे हैं कि किस लॉजिक की वजह से उनको ऐसा लगता है कि मार्केट इतना नीचे जा सकती है। तो दोस्तों, जब मैंने टेक्निकल एनालिसिस किया तो मुझे वहां पे कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि मार्केट 9000 जा सकती है या 9500 जा सकती है। 1% मुझे ऐसा लगा कि कहीं ये लोग जो बोल रहे हैं कि मार्केट 9000 जाएगी उसके पीछे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स तो कारण नहीं है। लेकिन दोस्तों, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी उसका कारण नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि यहां पे मैं किसी भी पॉलिटिक्स से संबंधित बात का जिक्र नहीं कर रहा, हम केवल मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात कर रहे हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात कर रहे हैं। मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित नहीं हूं। यहां पे अगर हम स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हैं तो हम टोटली अनबायस्ड होने चाहिए, हमारा रुझान किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ नहीं होना चाहिए, ए पॉलिटिकल होना चाहिए। जब हम वोट देने जाएं वहां पे हम अपना मत व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में निवेश करते समय हमें प्योरली जो भी एनालिसिस करना है वो रैशनल के ऊपर करना है, लॉजिक के ऊपर करना है और साइंटिफिकली करना है। तो यहाँ पे अगर आपको ऐसा लगे कि ये जो बात मैं बोल रहा हूँ ये पार्टी बी के या पार्टी सी के पक्ष में है या उनके अगेंस्ट में है, तो दोस्तों यहाँ पे मैं उस नज़रिए से उस पर्टिकुलर मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर को नहीं देख रहा, मैं केवल लॉजिक की बात करूंगा, रीजनिंग की बात करूंगा। तो कोई भी कमेंट करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस वीडियो को पहले पूरा देख लीजिए, उसके बाद कोई कमेंट करेंगे तो बेहतर होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे पांच ऐसे कारण जिनकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट ज्यादा नहीं गिरेगी। वो पांच कारण क्या है उसके लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप फ्री में स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं, जो भी जानकारी आपको पेड कोर्सेज के अंदर 50-60 हज़ार या 1 लाख रुपए की फीस लेके दी जाती है उससे 1000 गुना बेहतरीन जानकारी आपको इस चैनल पे मिलेगी, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो आप इस चैनल को अभी ज़रूर सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं, उसके साथ दिखाए गए बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना मत भूलिएगा,
ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। तो दोस्तों यहाँ पे पहला कारण है जीडीपी ग्रोथ। अब दोस्तों मैंने शुरुआत में ऐसा क्यों कहा कि ये वीडियो उन व्यूअर्स के लिए है जो कि स्टॉक मार्केट में पिछले 8 या 10 साल से निवेश कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको याद होगा आज से 5-6 साल पहले जीडीपी ग्रोथ एक बहुत महत्वपूर्ण क्राइटेरिया या कारण होता था कि स्टॉक मार्केट क्यों ऊपर जाएगी या क्यों नीचे जाएगी। उस समय बात की जाती थी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। तो दोस्तों उस ग्रोथ का हमें पता चलता है जीडीपी से, कंट्री की जीडीपी किस रेट पे ग्रो कर रही है। इस समय दोस्तों हमारे देश की जो जीडीपी है वो 8% के आसपास के रेट से ग्रो कर रही है, जो कि एक बहुत हेल्दी ग्रोथ माना जाता है। तो दोस्तों अगर आप पास्ट में देखेंगे जब भी कंट्री की इकोनॉमी के ऊपर चिंताएं जताई गई हैं उस समय दो महत्वपूर्ण कारण होते थे, जीडीपी ग्रोथ और इन्फ्लेशन। लेकिन दोस्तों इस समय हमारे देश की जो जीडीपी ग्रोथ है सालाना वो लगभग 8% के आसपास है। तो दोस्तों जीडीपी ग्रोथ तो यहां पे कोई कारण ही नहीं है जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट नीचे गिरे। और दूसरा कारण जैसे कि मैंने आपको कहा कि इन्फ्लेशन, पास्ट में भी 2013-14 में आप देखेंगे वहां पे इन्फ्लेशन का रेट बहुत ज्यादा हाई था, एक समय इन्फ्लेशन डबल डिजिट पे टच कर गई थी। लेकिन दोस्तों इस समय जो इन्फ्लेशन है वो लगभग 4% के आसपास है और आरबीआई के टारगेट के आसपास ही वो इन्फ्लेशन इस समय है। तो दोस्तों यहाँ पे जो जीडीपी ग्रोथ और इन्फ्लेशन जो है वो एक तरह का डेडली कॉम्बिनेशन है। किसी भी देश की इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करेगी या नहीं करेगी मेनली वो इन दो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के ऊपर निर्भर करता है, जीडीपी ग्रोथ और इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो जीडीपी ग्रोथ कम होती है, इसलिए वहाँ पे देश की इकोनॉमी पे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। लेकिन अभी ये जो पहले दो कारण हैं मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं इन दो पैरामीटर्स के ऊपर हमारा देश जो है इस समय अच्छा कर रहा है। मतलब यहाँ पे ये जो दो कारण है दोस्तों ये चिंता का विषय नहीं है। अब आप सोचेंगे कि भाई ये चिंता का विषय क्यों नहीं है, यहाँ पे क्रूड ऑयल का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, उसके बारे में हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे कि वो इतने बड़े कारण क्यों नहीं है। यहाँ पे दोस्तों जो भी क्रेडिट एजेंसीज होती हैं, रेटिंग एजेंसीज होती हैं, ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज होती हैं, वो देश को जो भी रेटिंग देती हैं उनका सबसे बड़ा की कंसर्न होता है जीडीपी ग्रोथ और इन्फ्लेशन, क्योंकि इनकी वजह से देश की इकोनॉमी को सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो देश की अगर जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं है तो वहां पे देश की जो रेटिंग है उसको डाउनग्रेड कर दिया जाता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि अभी तक किसी भी ग्लोबल रेटिंग एजेंसी या क्रेडिट एजेंसी ने इंडिया की जो रेटिंग्स हैं उसको डाउनग्रेड नहीं किया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो बड़े प्लेयर्स होते हैं स्टॉक मार्केट में वो जब निवेश करते हैं तो वो जो ग्लोबल रेटिंग एजेंसी होती हैं उनकी रेटिंग को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। तो मेरे हिसाब से तब तक चिंता का कोई भी विषय नहीं है जब तक इंडिया की जो रेटिंग है उसके ऊपर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। उस रेटिंग के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट तब तक नहीं आएगा जब तक जीडीपी ग्रोथ और इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। दोस्तों अगर आप इंटरनेशनल मार्केट्स को ट्रैक करते हैं तो आपको ये भी मालूम होगा कि जो भी इकोनॉमी कोलैप्स होने के वर्ज पे होती हैं वहाँ पे इन्फ्लेशन सबसे बड़ा कंसर्न होता है। पिछले 4-5 साल में आपने देखा होगा कि अर्जेंटीना की इकोनॉमी, ग्रीस की इकोनॉमी, वहाँ पे उन इकोनॉमीज के ऊपर चिंता क्यों जताई गई थी, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। तो दोस्तों इन्फ्लेशन सबसे बड़ा दुश्मन है देश की इकोनॉमी के लिए। अगर देश की इकोनॉमी को कोई खतरा नहीं है तो वहां पे स्टॉक मार्केट के ऊपर भी कोई मेजर खतरा नहीं होता। दोस्तों कुछ और देश हैं जिनकी इकोनॉमी के ऊपर हमेशा चिंताएं जताई जाती हैं, जिनको पिग्स कंट्री भी कहा जाता है। पी का मतलब होता है पोर्तुगल, आई का मतलब है इटली, जी से ग्रीस, एस से स्पेन। अगर आप इन चारों कंट्रीज की जाके इन्फ्लेशन देखें या इकोनॉमी को जाके देखें तो वहां पे ग्रोथ, जीडीपी की जो ग्रोथ है और इन्फ्लेशन जो है वो मेजर चिंताओं का कारण है। लेकिन दोस्तों हमारे देश में वो कारण नहीं है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई अगर हमारे देश की रेटिंग स्टेबल है, उसको डाउनग्रेड नहीं किया गया, या इन्फ्लेशन और जीडीपी ग्रोथ जो है वो कंट्रोल के अंदर है, तो एफआईआई पैसा क्यों निकाल रहे हैं। दोस्तों इस सवाल का जवाब मैं बहुत बार अपने वीडियोस में दे चुका हूं आपको कि यहां पे एफआईआईज और डीआईआईज जो हैं वो आपस में टैंडम में काम करते हैं। टैंडम मतलब मिलजुल के काम करते हैं।
अगर FIIs पैसा निकाल रहे हैं, DIIs पैसा डालते रहेंगे, अगर DIIs पैसा निकालना शुरू करेंगे तो FIIs पैसा डालना शुरू कर देंगे। यहाँ पे दोस्तों दोनों को पैसा कमाना है और दोनों कॉम्पिटिशन करते हैं, तो मतलब यहाँ पे कॉपरेशन प्लस कॉम्पिटिशन, उसको अगर मिला दिया जाए तो उसको कॉम्पिटिशन कहते हैं। वो एक दूसरे का नुकसान नहीं करते, एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करते हैं ताकि दोनों पैसे कमाते रहें, FIIs भी पैसे कमाते रहें, DIIs भी पैसे कमाते रहें। काफी वीडियोस में मैंने आपको बताया कि जब तक दोनों अपना पैसा निकालना नहीं शुरू करते इंडियन स्टॉक मार्केट से, तब तक चिंता का कोई भी विषय नहीं है। अगर आप FII और DII का डेटा देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि FIIs अगर पैसा निकाल रहे हैं तो DIIs पैसा डाल रहे हैं। तो मेरे लिए तब तक कोई भी चिंता का कारण नहीं है जब तक FIIs और DIIs दोनों अपना पैसा निकालना नहीं शुरू कर देते। एक बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो है कि दोनों इन्वेस्ट करना शुरू कर दें तो वहां पे रिटेल इन्वेस्टर्स की हो जाएगी बल्ले बल्ले। लेकिन दोस्तों वो बहुत रेयर सिनेरियो होता है, बहुत रेयरली आपको देखने को मिलेगा कि दोनों निवेश कर रहे हैं मार्केट में। यहां पे हमेशा अगर आप हिस्टोरिकल डेटा को उठा के देखें, एक अगर पैसा डाल रहा होगा मार्केट में, दूसरा निकाल रहा होगा। चिंता तब होगी जब दोनों पैसा अपना निकालना शुरू करेंगे, तब तक आपको भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों तीसरा जो कारण है, जो कि आज से 5-6 साल पहले एक मेजर कारण हुआ करता था, सब्सिडीज या लीकेज, जो सिस्टम के अंदर लीकेज है। अब दोस्तों अगर आप रिसेंटली देखेंगे तो सब्सिडीज को कंट्रोल कर लिया गया है, लीकेज को कंट्रोल कर लिया गया है। तो दोस्तों जो ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है वो इन पॉइंट्स को बहुत ज्यादा महत्व देती है कि सरकार यहां पे किस तरह का काम कर रही है। अगर मान लीजिए आज के डेट में ऑयल का प्राइस हाई है, वहां पे उसके पीछे सरकार की मजबूरी है, तो उसकी चर्चा हम थोड़ी देर में करेंगे कि वहां क्या मजबूरी है, ऑयल का प्राइस नीचे क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि वहां पे सब्सिडीज को लेके कंसर्न जताए जाते हैं ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज के द्वारा। और जब तक इंडिया की जो रेटिंग है, जो कि ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज के द्वारा दी जाती है, वो स्टेबल है, वो डाउनग्रेड नहीं होती। बड़े प्लेयर्स चाहे आज पैसा निकाल रहे हैं, लेकिन कल या परसों उनको वापस इंडियन मार्केट में आना पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए जो कंट्री की रेटिंग होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है निवेश करने से पहले, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका पैसा सुरक्षित रहे। इसलिए आपने देखा होगा कि जब 5 या 6 या 7-8 साल पहले जब इंडिया की जो रेटिंग होती थी, ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज के द्वारा रेटिंग दी जाती थी, उसकी वजह से FIIs इंडिया में निवेश करने से काफी बार कतराते थे, या वो इतना निवेश नहीं करते थे जितना अभी उन्होंने रिसेंटली किया। तो दोस्तों FIIs भी अपना पैसा वहाँ निवेश करना चाहेंगे जिस कंट्री की रेटिंग जो है स्टेबल हो, उसके अंदर कोई ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना हो, और गवर्नमेंट उसी हिसाब से काम कर रही हो जिस हिसाब से एक गवर्नमेंट को करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे चौथा पॉइंट आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिफॉर्म्स के ऊपर फोकस। तो दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कंट्री की ग्रोथ में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो दोस्तों अगर आप रिसेंटली देखें, जो भी आपको ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज के द्वारा रिपोर्ट पब्लिश होती है, उसके अंदर उन्होंने एक्चुअली अप्रिशिएट किया है कि इंडिया के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस है वो काफी अच्छा है। एकदम आपको भारी बदलाव नहीं दिखेगा, लेकिन बदलाव हो रहा है, पॉजिटिव बदलाव हो रहा है, और रिफॉर्म्स जो है वो भी अपनी पेस या अपनी स्पीड के ऊपर हो रहे हैं। जैसे कि GST एक मेजर रिफॉर्म था। दोस्तों हम उस चर्चा में नहीं जाएंगे कि GST अच्छा है बुरा है, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर हम सिर्फ रिफॉर्म्स की बात करें स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहां मैं और किसी चीज की बात नहीं कर रहा, मैं पहले आपको क्लैरिफाई कर चुका हूं, ना मैं पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं ना किसी और चीज की बात कर रहा हूं। अगर हम सिर्फ रिफॉर्म्स की बात करें, रिफॉर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से GST एक पॉजिटिव स्टेप था, जो कि ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज हैं उनको काफी पसंद आया, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि सभी मेजर कंट्रीज के अंदर GST इंप्लीमेंट हो चुका है। वो एक अलग बात है कि इंडिया एक इतना बड़ा देश है, यहाँ पे अलग अलग राज्य हैं, 29 अलग अलग राज्य हैं, सबको साथ लेने में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी GST इंप्लीमेंट हुआ, जो कि ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज को
पसंद आया। अब दोस्तों पांचवा और आखिरी कारण, जिसके बारे में मैं इनडायरेक्टली एक लाइव स्ट्रीमिंग में भी चर्चा कर चुका हूं कि स्टॉक मार्केट क्यों नहीं गिरेगी, दोस्तों उसके पीछे कारण यह है कि कोई भी सरकार, चाहे कोई भी सरकार हो सेंटर के अंदर, वो नहीं चाहेगी कि जब इलेक्शंस आने वाले हैं उससे पहले स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट हो। दोस्तों यहां पे अगर कुछ तथ्यों के ऊपर बात की जाए, इंडिया के अंदर लगभग 80 से 90 लाख जो है वो एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं। आपको ये नंबर अलग अलग दिखेगा कई जगह पे, लेकिन यहां पे हम यूनिक एक्टिव इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए एक इन्वेस्टर एक हाउस होल्ड को रिप्रेजेंट करता है और एक घर के अंदर अगर एवरेज 3 वोट होते हैं तो लगभग 2 से 2.5 करोड़ वोट्स जो हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक्ड हैं स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस से। अब दोस्तों एक एज्यूम करिए, मान लीजिए कि मार्केट इलेक्शन से 5 या 6 महीने पहले बहुत जबरदस्त गिरावट हो जाती है, तो क्या आपको लगता है कि जो निवेशक एक्टिव इन्वेस्टर हैं इस समय स्टॉक मार्केट में वो किस तरीके से वोट करेंगे? तो दोस्तों कोई भी सरकार ऐसा नहीं चाहेगी, सरकार चाहेगी कि स्टॉक मार्केट स्टेबल रहे, उसके अंदर ज्यादा गिरावट ना देखने को मिले, थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन, थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी चलती है, लेकिन कुछ भी मेजर चेंज नहीं होगा, ये मेरा अनुमान है। यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स उसी तरफ इशारा कर रहे हैं, वॉलेटिलिटी रहेगी स्टॉक मार्केट में, मार्केट हो सकता है रेंज बाउंड रहे, मार्केट हो सकता है थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चलती रहे, लेकिन यहाँ पे कोई शार्प करेक्शन होने की संभावना ऑलमोस्ट ना के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि जो भी एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसे का नुकसान करें जस्ट इलेक्शन से पहले, क्योंकि यहां पे वोटिंग के ऊपर उसका इंपैक्ट पड़ सकता है। दोस्तों अगर कुछ और तथ्यों की बात की जाए, 2014 के इलेक्शन के अंदर टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो पड़े थे वो लगभग 55 करोड़ थे, उसके अंदर जो पार्टी जीती थी उसको लगभग 31% के आसपास वोट मिले थे, जो कि 17 करोड़ वोट थे। तो दोस्तों 17 करोड़ वोट लेके कोई भी पार्टी सत्ता में आ सकती है, अगर उसके अंदर मान लीजिए स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, ठीक रहती है, या अगर रेंज बाउंड भी रहती है, तो वहां पे उस पार्टी को 2 या 2.5 करोड़ एडिशनल वोट मिल सकते हैं, अगर स्टॉक मार्केट में कोई भी ऐसी शार्प करेक्शन नहीं होती, शार्प गिरावट देखने को नहीं मिलती। तो दोस्तों कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी कि इन 2 या 2.5 करोड़ वोट्स को लूज किया जाए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चंक है, और आपने देखा होगा कि स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस पिछले 5 साल में काफ़ी अच्छी थी, और दोस्तों लोगों के मन में केवल रिसेंसी इफेक्ट होता है, जैसा कि मैं एक पहले वीडियो में भी बता चुका हूं कि अगर मान लीजिए मैंने पिछले 4 साल के अंदर अपना पैसा 4 गुना कर लिया है, लेकिन अगर अगले 6 महीने में मुझे केवल 10-20% नुकसान भी हो जाता है, तो मैं ये भूल जाऊंगा कि पिछले 4 साल में क्या हुआ था, मुझे केवल वही याद रहेगा कि पिछले 6 महीने में क्या हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पे पूरी कोशिश रहेगी कि स्टॉक मार्केट को स्टेबल रखा जाए, इसके अंदर कोई भी भारी गिरावट देखने को ना मिले, लेकिन दोस्तों ये चीज़ें कुछ हद तक कंट्रोल की जा सकती हैं। दोस्तों कोई बहुत भारी नेगेटिव न्यूज़ आ जाए उसके बारे में तो कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी हर कोई कोशिश करेगा कि स्टॉक मार्केट किसी तरीके से स्टेबल रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे एक बुल रन स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि मैंने इलेक्शन ईयर वाले वीडियो में भी कहा था, मार्केट रेंज बाउंड सकती है, एक रेंज के अंदर ट्रेड कर सकती है, वॉलेटिलिटी हाई रहेगी, लेकिन यहां पे बहुत भारी करेक्शन होने की संभावना ऑलमोस्ट 0 के बराबर है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं क्रूड ऑयल प्राइस की। क्रूड ऑयल का प्राइस दोस्तों हमारे हाथ में नहीं है, ये इंटरनेशनली कंट्रोल होता है। अब आप कहेंगे कि भाई यहाँ पे गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा ड्यूटी लेती है या बहुत ज़्यादा टैक्स लेती है, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट के इनकम या रेवेन्यू के सोर्सेज देखेंगे, वहाँ पे गवर्नमेंट के पास बहुत लिमिटेड सोर्सेज होते हैं जहाँ से पैसा लिया जा सकता है, कमाया जा सकता है। ऐसा नहीं होगा कि गवर्नमेंट एकदम सारे टैक्सेस या सारी ड्यूटीज को ज़ीरो कर दे, यहाँ पे कुछ लिमिट तक उसको कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर जब तक क्रूड ऑयल का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, इन्फ्लेशन इंक्रीज नहीं हो रही, तब तक चिंता का कोई विषय नहीं है। मैं क्रूड ऑयल के प्राइस को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उसको लिंक कर रहा हूँ मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर से। दोस्तों लास्ट टाइम जब क्रूड ऑयल का प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हुआ था, उस समय इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल चली गई थी। यहाँ पे दोस्तों अगर आप इन्फ्लेशन का रिसेंट डेटा देखें, तो इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कोई ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में है।
क्रूड ऑयल का प्राइस भी स्टेबल हो जाएगा जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो यहाँ पे केवल इंडिया ही नहीं, यूएस भी चाहता है कि क्रूड ऑयल का प्राइस कंट्रोल में रहे, क्योंकि जो देश क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि क्रूड ऑयल का प्राइस एक लिमिट के बाहर जाए। आपने देखा होगा रिसेंटली कि क्रूड ऑयल के प्राइस के अंदर करेक्शन देखने को मिली थी, तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि क्रूड ऑयल का प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा, यहाँ पे वो भी स्टेबल हो जाएगा। जब वो स्टेबल हो जाएगा तो ऑब्वियसली जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट है क्रूड ऑयल के प्राइस का इकोनॉमी के ऊपर वो खत्म हो जाएगा। जहां तक बात रही रुपी डेप्रिसिएशन की, इसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, ट्रेड वॉर वाला एक वीडियो मैंने शेयर किया था लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान। करेंसी वॉर के ऊपर हमने बात की थी, बहुत पहले बात की थी जब रुपी जो है 64 या 65 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपको ट्रेड वॉर जीतनी है तो उसके लिए आपको करेंसी वॉर जीतनी पड़ेगी। करेंसी वॉर जीतने के लिए आपको अपनी रुपी को, अपनी करेंसी को डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिवनेस जो है देश की वो कम हो जाएगी और उसका इकोनॉमी के ऊपर एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे किसी भी डिसीजन को जज करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि वो डिसीजन क्यों लिया गया है, उस मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर का क्या इम्पैक्ट होता है, क्या ये मजबूरी में किया गया है या यहाँ पे कोई भी कंट्रोल नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे जो दो मेन कंसर्न है, क्रूड ऑयल और रुपी का डेप्रिसिएशन, क्रूड ऑयल मैंने आपको बताया कि उसके ऊपर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है, रुपी डेप्रिसिएशन वो एक मजबूरी है ट्रेड वॉर के अंदर। जब वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमीज ट्रेड वॉर के अंदर इन्वॉल्व हों तो वहां पे करेंसी वॉर को जीतना जरूरी है। जीतने का मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा डेप्रिसिएशन हो जाएगी, लेकिन वहां पे एक पॉइंट तक डेप्रिशिएट करना जरूरी है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के अंदर जो भी आपके कंसर्न्स थे या मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स किस तरफ इशारा कर रहे हैं इस समय, उनको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। तो दोस्तों यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की मूवमेंट के पीछे की इंटेंट को देखा जाता है। अगर इंटेंट अच्छी है, इंटेंट ये है कि जीडीपी की ग्रोथ के ऊपर कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होना चाहिए, इन्फ्लेशन के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे जो दो मेन मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जीडीपी ग्रोथ और इन्फ्लेशन, जब तक वो कंट्रोल में है तब तक वहां पर चिंता करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जो भी आपके सवाल थे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर से संबंधित उनका जवाब देने की कोशिश करी। काफ़ी दर्शकों ने मुझसे पूछा था कि मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या इशारा कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में करेक्शन होगी या नहीं होगी, तो दोस्तों उसका जवाब भी मैंने इस वीडियो के अंदर आपको देने की कोशिश करी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल या व्हाट्सएप ग्रुप्स पे ज़रूर शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। इस वीडियो का विषय यदि आपको पसंद आया तो आप इस वीडियो के नीचे दिखाए गए लाइक आइकन को क्लिक कर सकते हैं ताकि मुझे पता लगता रहे कि आपको कौन से वीडियोज़ देखने पसंद हैं, कौन से वीडियोज़ आपको पसंद। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए बनाया था। इसके अंदर मेरी आपको किसी भी तरह से कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक में या इंडेक्स में बाय सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश से पहले आप अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें, केवल उन्हीं की सलाह के ऊपर किसी तरह के निवेश का निर्णय लें। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।